नमस्कार दोस्तों, स्लम डॉग एंटरटेनमेंट पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म जवान के विषय में। जवान का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, टीज़र पहले ही रिलीज हो चुका है। दरअसल जो ट्रेलर रिलीज किया गया है उसे ट्रेलर नहीं कह करके बाकायदा जो पोस्ट प्रोडक्शन की तरफ से मेकर्स की तरफ से आया है, फर्स्ट प्रीव्यू शो करके आया है, प्रीव्यू ऐसा कुछ आया है, प्रीव्यू करके आया है। तो लेकिन है एक तरह से देखा जाए तो ट्रेलर ही। और इस फिल्म में हम बेसिकली ये बात करने की कोशिश करेंगे कि शाहरुख खान की ये फिल्म जवान क्या पठान का मुकाबला कर पाएगी या पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी कि नहीं, क्योंकि इस बार मुकाबला जो है शाहरुख खान का शाहरुख खान के साथ ही है, किसी और एक्टर के साथ में नहीं है। क्योंकि अभी पिछले 2-3 सालों से तो इंडस्ट्री जिस तरह से चल रही थी उसमें जो है मतलब फिल्में तो मतलब लोगों से फिल्मों से मतलब स्टार से ये उम्मीद करना कि मतलब सिनेमा फिल्म हिट होगी बहुत ही मुश्किल काम था। कई सारी फिल्में तो लोगों की जो है मतलब बड़े बड़े स्टारों की जो है OTT प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज हुई। लेकिन बावजूद इससे जो है शाहरुख खान ने बहुत बड़ा कमाल जो है इस साल किया था 2023 का। उन्होंने आगाज़ तो किया ही था पठान मूवी से। शाहरुख खान के इस पठान से सिनेमा इंडस्ट्री को काफ़ी उम्मीदें तो बन ही गई थी, इसमें कोई शक नहीं है। और ये मतलब लग रहा था कि अब जो है सिनेमा जो है मतलब फिर से जो है मेन स्ट्रीम में आने वाला है, ऑडियंस जो है अब सिनेमा हॉल तक जो है आने लगी है। क्योंकि कोरोना की वजह से 2-3 साल तो बहुत ही इंडस्ट्री का जो है मतलब हालत ख़राब ही रहा। और इसके अलावा जो है मतलब बॉयकॉट वगैरह की वजह से भी सिनेमा इंडस्ट्री को बहुत सारा नुकसान तो उठाना ही पड़ रहा है। और बॉयकॉट के पीछे क्या क्या वजह थी वो सब आप लोग जानते ही हैं, चूँकि सोशल मीडिया पर ये सब सारी चीज़ें बहुत लंबे समय से चल ही रही है। खैर, ये सब चीज़ें तो होती रहती है, चलता रहता है। लेकिन बात ये है कि मामला कि अब सिनेमा इंडस्ट्री फिर से मेन स्ट्रीम पर जो है 2023 में पठान मूवी से ही ये उम्मीद जग गई थी कि अब ये सिनेमा जो है फिर से मेन स्ट्रीम में आ रही है, ऑडियंस जो है मतलब आ रहे हैं, थिएटर में चल के आ रहे हैं। जबकि पठान का जिस तरह से बॉयकॉट भी हुआ, सब कुछ हुआ, और उसके बावजूद ये पठान ने जिस तरह का रिकॉर्ड बनाया ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है, इसमें कोई शक नहीं है, इसकी तारीफ़ करनी ही चाहिए। बाहुबली जैसे मूवी का रिकॉर्ड तोड़ना ये मतलब कोई साधारण बात नहीं है, और उसकी उम्मीद भी नहीं की जा रही थी कि कोई फिल्म बहुत जल्दी जो है इसका मुकाबला कर पाएगी या इसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। लेकिन शाहरुख खान की इस फिल्म ने किया, जो सच है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पठान और जवान, पठान ने जिस तरह का हाई बनाया, क्या जवान उस लेवल पर जा पाएगी या उसका मुकाबला कर पाएगी या रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, ये बहुत अहम सवाल है। चूँकि शाहरुख खान की जिस तरह से मोस्ट अवेटेड फिल्म थी पठान, उसी तरह से जवान भी मोस्ट अवेटेड फिल्म है। शाहरुख खान का बहुत उस पर दारोमदार भी है, और शाहरुख खान का मुकाबला जो है शाहरुख खान के साथ ही है, अब किसी दूसरे एक्टर के साथ नहीं, जो मैंने पहले भी जिक्र कर दिया है। लेकिन इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि पठान ने किस तरह से क्यों इतना बड़ा कारोबार किया। उसके पीछे 3-4 कारण हैं। सबसे जो पहला कारण है वो कि पठान पर शाहरुख खान ने बहुत मेहनत भी की थी, बहुत लंबे समय से उसको बहुत बेहतरीन तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत उसमें उन्होंने जो है दिल लगाया था, बहुत मेहनत की थी, पैसे लगाए थे, सब कुछ किए थे। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर था इसका बॉयकॉट वाला मामला, जिस तरह से इस फिल्म का बॉयकॉट किया गया तो इस बॉयकॉट का जो है इंडस्ट्री को मतलब फिल्म को बहुत फ़ायदा मिला। फ़ायदा किस तरह से मिला कि फ़ायदा ये मिला कि जो बॉयकॉट करने वाले थे तो फिल्में पिछले कई कुछ वर्षों से जो है चलने रही थी, बॉयकॉट हर फिल्मों का हो रहा था। लेकिन इस बार बॉयकॉट करने के विरोध में भी लोग खड़े हुए कि मैं इस फिल्म को हिट कराना है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से ये फिल्म को। और जो तीसरा जिसका क्रेडिट जो है मतलब अक्सर जब इस फिल्म की चर्चा इस सफलता की बात होती है तो सिर्फ शाहरुख खान के ऊपर ही लाद दिया जाता है कि शाहरुख खान के ऊपर सारे सेहरा जो है मतलब मर दिया जाता है कि शाहरुख खान की वजह से ये फिल्म जो है हिट हो गई, शाहरुख खान ने बहुत कमाल कर दिया, शाहरुख खान ने ऐसा कर दिया। लेकिन इस फिल्म की कामयाबी के पीछे दीपिका पादुकोण का भी बहुत बड़ा योगदान है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और एक तो बॉयकॉट भी उन्हीं के उसी गाने को लेकर के हुई थी, बेशरम रंग को, जिस पादुकोण का जो बोल्ड और बिकनी अवतार था, ये अवतार जो बेसिकली अगर देखा जाए तो ऑडियंस को थिएटर तक बॉयकॉट होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद जो बॉयकॉट कर रहे थे वो भी थिएटर तक चलाए सिर्फ ये देखने के लिए कि दीपिका पादुकोण का ये ग्लैमरस रूप देखने के लिए। ये बहुत बड़ी वजह है जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते या इसकी चर्चा नहीं करती है, ना कोई सोशल मीडिया पे हो रहा है, ना कोई न्यूज़ चैनल है, कोई भी ऐसे इसकी चर्चा नहीं करे, क्रेडिट सिर्फ शाहरुख खान को दिया जा रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि दीपिका पादुकोण का बहुत बड़ा योगदान था उस फिल्म में, और यही वजह है कि इस फिल्म में भी दीपिका पादुकोण है, जवान पे भी एक गाना जो है दीपिका पादुकोण को रखा गया है। हालांकि शाहरुख खान कहते हैं कि भाई उनका दीपिका पादुकोण जो है उनके लिए बहुत लकी एक्टर है, लेकिन लोग माने या ना माने, लोग जिसकी चर्चा करें ना करें, लेकिन शाहरुख खान को तो ये समझ में आता ही है कि मतलब दीपिका पादुकोण का जो है पठान में कितना बड़ा योगदान था, और उसी चीज़ को फिर से वो भुनाने की कोशिश इस फिल्म में भी करेंगे, ये जाहिर सी बात है, और इसलिए दीपिका पादुकोण है इस फिल्म में। और तीसरी चीज़ ये है कि सलमान खान का भी जो इसमें एक कॉमियो कैरेक्टर था वो बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर था, उसकी वजह से ऑडियंस
थिएटर तक आई, मतलब सलमान खान के फैन जो है दिल खोल करके पहुँचे शाहरुख खान को सपोर्ट करने के लिए। हालांकि इस विषय पे भी बहुत चर्चा होती है कि भाई शाहरुख सलमान खान के कोमियों से अगर जवान इतनी मतलब बड़ी कामयाबी हो जाती है तो फिर किसी का भाई किसी का जान में जो है मतलब सोलो हीरो थे और वो भी सलमान खान की बहुत बड़े मतलब बड़ा प्रोजेक्ट कह सकते हैं, तो फिर वो फिल्म क्यों नहीं हिट हुई, बहुत लोग ऐसा भी मतलब कह रहे हैं। तो इसके पीछे भी कुछ वजह है जिसकी हम चर्चा बाद में दूसरे वीडियो में करेंगे, आराम से बताएंगे कि फिर ये कि ठीक है जवान को कैसे फ़ायदा मिल गया और इसको क्यों फ़ायदा नहीं मिला, इस विषय पर भी एक अलग से वीडियो बाद में बनाएंगे। फिलहाल बात करते हैं जवान के विषय में। तो जवान, जहाँ तक बात है, जवान का ट्रेलर आ गया है और जवान में के ट्रेलर में जो एक चीज़ मैंने महसूस किया कि पूरी तरह से जवान के ट्रेलर को शाहरुख खान पर फोकस किया गया है, पूरी तरह से फोकस है, मतलब फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड तक का जो सीन है, फ्रेम है, शाहरुख खान है। शाहरुख खान पूरी तरह से एक्शन पैक्ड मूवी है, पूरी तरह से एक्शन है पूरे थिएटर में, मतलब ट्रेलर में जो सिर्फ एक्शन ही दिखाई दे रहा है, मतलब ये बताने की कोशिश की गई है कि शानदार एक्शन पैक जो है मतलब ये फिल्म होने वाली है। जबकि इस फिल्म में नयनतारा है, साउथ इंडस्ट्री की नयनतारा जो है वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टर है, मतलब इंडिया की आप कह सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर है नयनतारा। 4 बार उन्होंने जो है मतलब फिल्म फेयर अवार्ड जो है साउथ की फिल्मों से लिया है, नयनतारा है। विजय सेतुपति जी हैं इसमें, विजय सेतुपति भी मतलब बहुत बेहतरीन उमदा कलाकार माने जाते हैं, वेरिएशन के मास्टर हैं, वो इस फिल्म से जो एंट्री कर रहे हैं। एटली कुमार आ रहे हैं, एटली कुमार भी हैं अपने आप में कमाल, जिन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई, लेकिन और दीपिका पादुकोण का एक गाना भी है। लेकिन ट्रेलर में जो है किसी भी मतलब एक्टर को, नयनतारा या विजय सेतुपति, किसी को भी बहुत प्रॉपर जगह नहीं मिली है, ये एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है। फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड जो है सिर्फ शाहरुख खान एक्शन मारपीट, बस यही चीज़ें हैं। कभी ट्रेन में आके मारपीट हो रही है, कभी यहाँ हो रही है, और उनके अलग अलग जो है मतलब इमेज को, उनके अलग अलग जो है मतलब जो उनका गेटअप है उसको भी उसमें रिवील करने की कोशिश की गई है। कभी पट्टी बांधे हुए, कभी बिना बालों के जो है, थोड़ा सा कॉमिक लास्ट के जो है ट्रेलर में एक थोड़ा सा कॉमिक सीक्वेंस भी क्रिएट करने का दिखाने की कोशिश की गई, जो एक गाने पर जो डांस करते हैं वो पुराने गाने पर डांस करते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मतलब इस पर एक बातें चीज़ें मतलब नज़र जाती है कि भाई बाकी सारे एक्टरों को इतना फुटेज क्यों नहीं मिला। खैर, ये अपना प्रेजेंटेशन, और शाहरुख खान इसमें मास्टर हैं, मतलब प्रेजेंट करने के मामले में मास्टर है। हो सकता है दूसरा कोई ट्रेलर रिलीज करेंगे, या फिर हो सकता है दूसरे सारे एक एक आर्टिस्ट, अलग अलग आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अलग अलग तरीके से ट्रेलर जो है मतलब आगे भी लेकर के आएंगे, या कुछ उस तरह का उनका लेकर के आएंगे। तो ये उनका अपना भी आगे भविष्य में क्या क्या करते हैं, गाने किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, ये सब तो बाद में देखने की चीज़ है। लेकिन जो बात मुद्दे की है कि क्या जवान पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी कि नहीं, तो चूंकि पठान के विषय में हमने पहले बता दिया कि पठान की कामयाबी के पीछे जो है क्या क्या मतलब क्या फैक्टर रहे हैं, तो वैसे फैक्टर तो जवान में मुझे नहीं लगता है कि अब फिर से रिपीट होने वाले हैं। चूँकि दीपिका पादुकोण का एक गाना तो है उसमें, लेकिन वो गाना क्या फिर से उसी तरह से जो है पिकअप ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, या फिर उसमें उस तरह का उसका जो है बोल्ड और बिकनी मतलब ग्लैमरस अवतार होगा या नहीं होगा, ये सब अभी कहना मुश्किल है। या फिर उस तरह से बॉयकॉट होगा, और मुझे लगता नहीं कि अभी इस फिल्म को लेकर के फिर बॉयकॉट वाला भी कोई मामला होने वाला है, क्योंकि बॉयकॉट करने वाले को भी ये बात समझ में आ गई है कि इसका और बेनिफिट ही हो जाता है, तो ये सब होगा नहीं, इस तरह से कुछ चीज़ें होने वाली नहीं है। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई, तो चूँकि अब प्रेजेंटेशन के तो शाहरुख खान मास्टर हैं, अब देखते हैं कि जब पठान को उन्होंने जो है 100 कंट्री में एक साथ रिलीज किया, और इसके अलावा जो है 7,000 स्क्रीन पर रिलीज़ किया, तो ये सब भी बहुत बड़ा ट्रैक्टर था। तो ये सब प्रेजेंटेशन तो जवान में भी होने वाली है, लेकिन तमाम इन सब चीज़ों के बावजूद जो है मुझे नहीं लगता है कि फिर, क्योंकि ये रिपीट जो है मतलब इतिहास बार बार तुरंत रिपीट नहीं होता, हिस्ट्री जो है बार बार मतलब रिपीट नहीं होती, उसमें समय लगता है। बाहुबली का मुकाबला भी कोई फिल्म कर पाएगी इसकी भी किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन शाहरुख खान ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा कारनामा था। लेकिन दोबारा तुरंत जो है इसी साल दोबारा तोड़ दें ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। हाँ, ये जरूर है कि ये फिल्म जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है 400-500 करोड़ में, तो कहीं उसको कोई रोका नहीं जा सकता है, फिल्म बहुत अच्छी तरह से जाएगी। और दीपिका पादुकोण वगैरह का जो है जितना भी है, नयनतारा, ये सब जो है, उसके वजह से अब कोई ऐसा मतलब जो पिछली फिल्म की तरह बॉयकॉट वगैरह का मामला हुआ था, वो भी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि हो पाएगा, लेकिन जाएगी। बाकी तो अब फ्यूचर में क्या हो सकता है ये तो आप ही बता सकते हैं, मतलब भविष्य ही बता सकता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपना ओपिनियन ज़रूर दें कि मतलब क्या इस फिल्म से जो है पठान का मुकाबला कर पाएगी या पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, क्योंकि मुकाबला अब शाहरुख खान का सिर्फ शाहरुख खान के साथ है, किसी और एक्टर के साथ नहीं है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपके कमेंट्स में आपका जो है सुझाव मुझे अगर अच्छा लगेगा, तो मैं उस पर भी कोई वीडियो बनाऊँगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही।
काफ़ी लंबा भी हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, और बने रहें हमारे साथ में बॉलीवुड लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फ्रेंड्स।